निष्ठुर महिषासुर के अत्याचार का निराकरण एक औरत के हाथों लिखा था। तब अस्तित्व में आई थी एक तेजस्वी देवी दुर्गा। 10 हाथों वाली दुर्गा माँ की तरह आज की स्त्री भी घर की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है और समाज रूपी महिषासुर से जूझकर हर समस्या का निराकरण करने को तत्पर रहती है, क्योंकि परम शक्ति दुर्गा माँ हर स्त्री में बसती है। जय दुर्गा माँ। ऐ गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जेष्णुनुते भगवति हेषिति कंठ कुटुंबिनि भूर कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते अजय है तू, अमर है तू, सृष्टि का ये भवर है तू, आरंभ तू, अविराम भी, हर नियम का तू विराम भी, ईश्वर भी तू, अंबिका कश्यप। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मदर, शेफ, हाउसकीपर, नर्स, प्लानर, मल्टीटास्किंग वर्किंग वुमेन एंड अ वंडर वाइफ। जॉय मा दुर्गा। शादी के बाद से ये मेरी रूटीन लाइफ का रूटीन डे है। ये मेरा मी टाइम है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई जगह नहीं होता। अक्सर मेरे मन में ये विचार आता है कि आखिर औरत को आदमी से कमतर करके क्यों देखा जाता है, जबकि हम लेडीज परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद लेट सोए फिर भी घर के पुरुषों से पहले उठती हैं, बिना कोई शिकायत किए घर का अनुशासन बनाए रखती हैं। किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन, बहू, माँ, मामी, चाची, ताई, मासी, भाभी, ननंद, ये सब पहचान है मेरी। अरसा हुआ मुझे खुद से मिले, फिर भी न जाने कितने मोहक रिश्तों को आंचल में बांधे मैं ढूंढती रहती हूं खुद को।
ऑफिस में ऑन टाइम टारगेट्स मीट करने वाली मिसेस कश्यप घर में सबकी डिमांड्स भी ऑन टाइम मीट करती है, बस थोड़े से प्यार और सहानुभूति की उम्मीद में। लेट हो रहा क्या? सो सॉरी। बस देखो बहू, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे चुस्त कपड़े पहनकर बाहर मत जाया करो, लोग गंदी नजर से देखते हैं, लड़के कमेंट करेंगे अच्छा लगेगा तुम्हें। आदमी को एक ही बार समझाने से समझ जाना चाहिए। आपका खाना बना के रख दिया है, दवाइयां टाइम पे ले लीजिएगा। गुड डे पापा जी। कभी मेरी पहचान अपने बाबा की डांस चैंपियन बेटी अंबिका बोस हुआ करती थी, लेकिन अब मेरी पहचान पे धूल बैठ चुकी है। बहू, तुम्हारा ये पार्सल आया। जी आ गया। देखो बहू, तुम मेरे बेटे की इतनी मेहनत की कमाई ये ऑनलाइन शॉपिंग पे बर्बाद मत करो। अक्षत की बोर्डिंग जाना है संडे को, उसी का बर्थडे गिफ्ट ऑर्डर किया था, थोड़ा बहुत मैं भी कमा लेती हूँ पापा जी। डोंट वरी, अपने कार्ड से पेमेंट किया था। फिर क्या हुआ बेटा, घर में खर्चा किया है ना, अविनाश आता ही होगा, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। आ गए आप। लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो मुझे काम करना भी नहीं आता। कल का आया हुआ लड़का मुझे बता रहा था कि पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है। इतने साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसका कुछ नहीं। अरे आप बुरा क्यों मान रहे हैं, हो सकता है उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया हो। आप अपने काम के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, ये आपका ऑफिस भी जानता है और आपकी फैमिली भी। चलिए छोड़िए, आज का दिन खत्म, टुमारो विल बी अ न्यू डे। ऐसा कीजिएगा कल आप वो नई वाली पैंट टी शर्ट पहन के जाइएगा जो मैंने आपको आपके बर्थडे पे गिफ्ट की थी। छा जाओगे ऑफिस में। चाय पकौड़े बना कर लाओ पहले। हाँ आप हाथ मुंह धोइए, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। बहू जी, मेरी चाय में शक्कर कम डाला करो। जी पापा जी। टिकट आने की बात ठीक है, बता देना मुझे, मैं कर दूंगा जो भी है।
कभी मुझसे भी पूछ लिया करो कि मेरा दिन कैसा गया। अंडे पकोड़े जाओ, गरम पकोड़े बना कर लेके आओ। जी अभी लेके आती हूँ। I have stopped enjoying this 24/7 duty now. पता नहीं मैं सब किसके लिए और क्यों कर रही हूँ। अविनाश सुनो ना, तुमसे कुछ बात कहनी थी। तुम तो जानते हो मैंने कथक में विशारद किया है। मैं सोच रही थी कि मैं ये जॉब छोड़ दूं और कथक की इवेंट्स करूं, यूट्यूब पे अपना चैनल खोलकर वहां कथक ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करूं। तुम तो जानते हो ना, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू परस्यू माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल डांसर। और अब तो अक्षत भी बोर्डिंग चला गया है और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई है। क्या प्रूव करना चाहती हो कि मेरा घर तुम्हारी सैलरी से चले इसलिए तुमसे जॉब करवाई? मेरे कहने का मतलब वो हमारे घर की बहुएं ये भंडो वाला काम नहीं करती, ये नाचना गाना है सब। ओके कमाओ बीवी और बहू चलेगी, लेकिन एम्बिशियस नहीं होनी चाहिए। हाउ सेल्फिश। देखो इट्स सिंपल, मैं अपना ड्रीम परस्यू करके भी तो कमा सकती हूँ। लोन की इंस्टॉलमेंट और घर के खर्चे में मैं तब भी कंट्रीब्यूट करूंगी। तुमने अपना ड्रीम पूरा किया ना एमएनसी में जॉब करने का, देन व्हाई कांट आई? तुम्हें भी तो जॉब करने को मिल रही है ना। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिन्हें इतनी फ्रीडम भी नहीं मिलती। क्या करूं इस फ्रीडम का, कोहलू की बैल जैसी जिंदगी हो गई है मेरी। घर का भी देखो बाहर का भी देखो और अपनी इच्छाओं का गला घोट दो। हो गया तुम्हारा, इनफ नाउ। अगर तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती तो चली जाओ अपने माँ बाप के घर। कैसे एडजस्ट करूँ बताओ, जिस घर में मेरी ख्वाहिशों की किसी को परवाह ही नहीं है वहाँ कैसे एडजस्ट करूँ? अविनाश जॉब हम दोनों करते हैं लेकिन सब मल्टीटास्किंग मुझसे ही क्यों एक्सपेक्ट की जाती है? मुझसे शादी का एहसान करके तुम्हारी नर्स की, कुक की, सर्वेंट की, यहाँ तक की फाइनेंशियल सपोर्ट की, सब दिक्कतों का वन वुमन सोल्यूशन मिल गया है तुम्हें। पर मुझे क्या मिला, ये घुटन भरी जिंदगी। Do you even realize अविनाश, हमारे इतने सालों के रिश्ते में तुमने कभी मुझे समझने की जरूरत ही नहीं समझी। अविनाश खुद तो तुम ऑफिस ट्रिप्स पे जाके रिफ्रेश होते हो, संडेस को और ऑफिस हॉलीडेज पे छुट्टी मनाते हो, लेकिन कभी सोचा है मुझे कभी छुट्टी नहीं मिलती। अविनाश आई वॉन्ट टू डिस्ट्रेस माई सेल्फ। चलो ना कुछ दिन के लिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं और वहां जाकर आराम से बात करेंगे फिर। आई हैव माई सेविंग्स ब्लॉक अंबिका, और ध्यान रहे आज के बाद कभी ये फालतू की बातें ना करोगी ना ये फालतू की ड्रीम्स देखोगी। और ये जो है ना तुम्हारा नाचना गाना ये सब भूल जाओ, ये कुछ नहीं होने वाला। तुम एक औरत हो, मेरे घर मेरे बच्चे का ध्यान रखो बस। घर और अक्षत की जिम्मेदारी मैं आज तक अच्छे से निभाती आई हूँ और आगे भी अच्छे से निभाऊंगी। ऑल आई एम आस्किंग फ्रॉम यू इज जस्ट टू रिस्पेक्ट माई ड्रीम्स। मेरे भाई का बेटा यूएस में जाकर सेटल हो गया है, हमें भी अक्षत को हायर स्टडीज के लिए यूएस भेजना है ताकि वो वहां जाकर सेटल हो सके। मेरा यूएस जाने का सपना मेरा बेटा पूरा करेगा। सुबह ऑफिस जाना है, सो जाओ।
समंदर की एक बूंद बन जाऊं, पर समंदर में मेरा अस्तित्व तो रहे, परिवार को मेरे प्यार की थोड़ी कदर तो रहे। फिर वही सवाल दस्तक दे रहा है मेरे अरमानों के दरवाजे पर, मैं कौन हूं? Who am I? अजय है तू, अमय है तू, सृष्टि का ये भव है तू।